बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज्जत में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सोफिया फैसल। रिवायतों की लज्जत एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं नित नई रेसिपी। इसके किस तरह आप उन रेसिपीज़ को रिवायती अंदाज में, रिवायती तरीक़ों से अपने घर में आसानी बना सकते हैं। आजकल की जो हमारी रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा खाना बनाए भी, खाएं भी, और रोज़ाना कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। तो हमारे इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रेसिपीज़ जो जल्द से जल्द बन जाती हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से जो नॉर्मली सबके किचन में मौजूद होते हैं, और किस तरह से उन रिवायती रेसिपीज़ को आप अपने घर वालों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और रोज़ाना अगर कुछ नया बनाना है तो इस मसले का हल तो हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू निकल ही गया है। आप इस प्रोग्राम को फॉलो करें और रोज़ाना अपने किचन में कुछ नया बनाते जाएँ। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के हमारे शेफ़ को बुलाते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि आज वो जो हमारे किचन में बनाने वाले हैं तो उसके बारे में वो कहते हैं कि ये तो उनकी स्पेशलिटी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि वो ये रेसिपी आराम से अपने घर में आसानी से नहीं बना सकते, उनको घंटों लग जाते हैं। लेकिन झटपट से वो आपके किचन में कैसे बन सकती है वो हमें आज के हमारे शेफ़ बताएंगे, कि जिनका नाम है सैयद वकास। तो तशरीफ़ लाते हैं शेफ़ वकास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वकास, आपको ये खाना बनाने का शौक जो है वो बचपन से ही था या अभी आया है? बिल्कुल ऐसा ही समझ लें, मुझे बचपन से शौक था। मेरे घर में कोई भी नहीं जिसको शौक है। अच्छा, किसी को भी शौक नहीं है? कोई भी इस फील्ड में, इवन के मेरे खानदान में कोई इस फील्ड में नहीं है। मैं फाहिद हूँ, तो घर वाले बोलते थे कि क्या शौक है, मैंने कहा ये भी एक शौक है, पैशन है भाई, और इसको अपनाना चाहिए, और ये पैशन बुरा नहीं है। चलें, एक बात तो हम दोनों में कॉमन है कि हमारे खानदान में कोई मीडिया से नहीं है, इनके खानदान में कोई शेफ नहीं है। बिल्कुल। तो वकास, मुझे ये बताएं कि हमारे किचन में आज आप क्या बना के खिला रहे हैं? अच्छा, आज बड़ी यूनिक सी डिश बना रहा हूँ। अमूमन हमारे घरों में कढ़ाई, कीमा या कौरमा समथिंग बनता है, तो आज बड़ी यूनिक सी डिश बना रहा हूँ। आज मैं बना रहा हूँ धुआं दही गोश्त। धुआं दही गोश्त, बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा यूनिक सा नाम लोगों को लग रहा है। हाँ। कि लोग अमूमन लोग ऐसी डिशेस बनाते नहीं हैं घर पे, तो मैंने अपने घर में बहुत दफ़ा ट्राई किया, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। धुआं गोश्त सुना है, मटका गोश्त सुना है, ये धुआं दही गोश्त क्या है? अब सीखते हैं शेफ वकास से। बिल्कुल। अच्छा वकास, तो मुझे ये बताएं कि ये कहा जाता है आप इसमें बीफ यूज़ कर रहे हैं ना? अच्छा, मैं इसमें बीफ यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं और आप प्लस इसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीफ के बारे में कहा जाता है कि बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत देर से गलता है। ऐसा नहीं है, लोगों को, खवातीन को मुश्किल लगता है पर हमें मुश्किल नहीं लगता, तो हम तो उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं। भाई आपको तो मुश्किल नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस शेफ हैं। जी वकास, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, हमारे शो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आप बताएं कि आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, बीफ है, चूँकि आपने कहा कि आज हम बीफ इसको बना रहे हैं, कि बीफ बहुत मुश्किल है लोगों को बनाना लगता है, तो आज उन जो खवातीन हैं जो देख रहे हैं हमें, उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो सब आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। ऐसा कोई हेक्टिक इंग्रेडिएंट नहीं है कि जो आपको मार्केट में बहुत ढूंढना पड़े और आपको लेना पड़े, सब चीज़ हमारे घर। हम तो चाहते हैं कि हमारे शो में आए ही वही शेफ जो उन्ही इंग्रेडिएंट से बनाना सिखाएं जो नॉर्मली मौजूद हो किचन में, क्योंकि ऐसा ना हो कि खवातीन जो है वो रेसिपी नोट डाउन कर लें और उसके बाद बोले कि ये चीज़ मौजूद नहीं है, वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा इसमें कोई ऐसा खास इंग्रेडिएंट नहीं है, सब चीज़ें घर की हैं। बट इसमें वही घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी से हम एक यूनिक फ्लेवर देंगे इस डिश को। ठीक है, तो हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है वकास, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बीफ जो आपने लिया है ये बोनलेस है या विद बोन? ये बोनलेस है। बोनलेस लिया है, ओके। आप इसमें हड्डी वाला भी यूज कर सकते हैं। कर सकते, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूँ, जो लोग बीफ या मटन लवर्स नहीं है, जो चिकन लवर हैं, तो वो चिकन में इस चीज को बना सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट, सेम मेथड है। वकास, तो हमने बीफ कितना लिया है? अच्छा, इसमें हमने हाफ केजी बीफ यूज किया। हाफ केजी बीफ लिया, ठीक है। तो मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसमें मैरिनेशन यूज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हाफ के जी मेरे पास बोनलेस है, आप इसमें हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। ओके। तो मैं पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें यूज़ करूँगा 1 टीस्पून। अच्छा, spoon. आप इसमें जो है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल जो तीखा खाते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी फूड ऐसा फूड है जिसमें आप अपनी मर्जी से बैलेंस कर सकते हैं स्पाइसेस को, अप एंड डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम जो यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। ये मैं 1/2 टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे दो किस्म के स्पाइसेस यूज़ किए हैं, मिर्चें यूज़ किए हैं, तो हम वो
ले लेंगे। ठीक है, रेड चिली पाउडर हो गया, ब्लैक पेपर पाउडर हो गया। अब इसमें हम हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बाद। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे हम, और इसमें है गरम मसाला, हमारे पास पाउडर है ये 1/2 टीस्पून में यूज कर रहा हूँ। गरम मसाला पाउडर भी हम 1/2 टीस्पून ले रहे हैं इसमें। गरम मसाले में कुछ ये है कि आपने भून के रखा है खुद से किया या बाहर से ही तैयार? नहीं, ये गरम मसाला ऐसा है कि मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि जो आप गरम मसाला घर में पीसें, जो नॉर्मल हमारे पास साबुत गरम मसाले होते हैं वो आप पीसें और उसके बाद उसमें पीसी जायफल जावित्री को पीस कर ऐड कर दें। अच्छा, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों से सुना, क्योंकि उन्होंने बताते थे कि भाई आप गरम मसाला जो घर में पीसते हैं इसमें जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो थोड़ा सा मिक्स किया करें, उससे क्या होता है इसका जो फ्लेवर है वो इतना ज़बरदस्त निकल कर आता है चीज़ों में, आप किसी भी चीज़ पर स्प्रिंकल करें या डालें तो फ्लेवर इन्हेंस होगा हर चीज़ का। अच्छा वकास, मैं चाहूँगी कि आप इसका मैरिनेशन कर लें, उसके बाद गरम मसाला पाउडर में कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में लेनी वो भी हम वो मैं इनशाला जानता हूँ। अच्छा, कि पिसा हुआ धनिया है कि मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जीरा मेरे पास है, इसको मैंने भून लिया था। ओके, क्योंकि जीरा को भून के अगर आप यूज करें तो उसका फ्लेवर अरोमा आता है, ठीक है। जीरे को तो वैसे मैं नाज़रीन को कहूंगी कि अपने घर में जब भी आपके घर में जीरा है तो उसको उसी वक्त भून के और अपने पास, बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप भून के। अब अच्छा, जीरे को में मिट्टी बहुत होती है तो आप इसको पहले वॉश करें, वॉश करके आप इसको धूप में सुखा लें। अच्छा, वॉश भी कर सकते जी? वॉश करके आप, मैं तो अपने घर में यही करता हूँ कि इसको वॉश किया, वॉश करके इसको छन्नी में हमने सुखा लिया धूप में। ओके, अच्छा, जहाँ धूप नहीं आती जिन घरों में, जैसे हमारे यहाँ फ्लैट सिस्टम है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि इसको पंखे के नीचे रख दें, जब ये सूख जाए एक आध दिन लगता है कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर आप इसको भून के ठंडा करके फिर आप इसको शीशे के जार में रखें तो ये कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, प्लास्टिक के जार में, असल में गर्मियां हैं हमारे यहाँ, ह्यूमिडिटी इतनी होती बिल्कुल, है तो ये वो एक उसमें जो है ना हमारे मसाले खराब होने का डर होता है। ठीक है, वाओ जबरदस्त, तो ये एक नई टिप मिल गई हमें वकास। इसमें 1 टीस्पून हम यूज कर रहे हैं जीरा पाउडर, जीरा साबुत जीरा है नहीं, साबुत जीरा आप इसको क्रश करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट बेसिकली हस्बे जायका यूज करना चाहिए, तो मैं एज पर टेस्ट मैं इसमें भी फिलहाल 1 टीस्पून यूज कर रहा हूँ। अच्छा, सॉल्ट हम दो जगह यूज करेंगे क्योंकि एक मैं मैरिनेशन में यूज कर रहा हूँ, एक जब हम ऊपर से गार्निशिंग में हम योगर्ट या दही इस्तेमाल करेंगे उसमें भी नमक डालना है, तो जब आप कोई भी डिश बना रहे हो तो उसमें आप जो भी डिश ऐसी है जिसमें 2 से 3 स्टेप में आप उसको बना रहे हैं तो उसमें आपने नमक का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जब वो मर्च होती है तो फिर ज्यादातर मिक्स करके आप खाते हैं तो उसमें कहता है वो नमक और मिर्च का, नमक तो वैसे भी कम डाला करें और आप उसको टेस्ट कर लिया करें, बिल्कुल ऐसा ही है तो आप उसको और ऐड कर सकते हैं। वकास, यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, हम बीफ के मैरिनेशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, रिवायतों की लज्जत के किचन में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ वकास। यहाँ पे हम ब्रेक पे जाने से पहले मैरिनेशन कर रहे थे तो हमने ब्रेक में कुछ भी नहीं किया क्योंकि सब कुछ जो है वो हम यहाँ आपके सामने करना चाहते हैं। अच्छा, हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस है वो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें यूज करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून। ठीक है 1 टेबल स्पून भर के थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, क्योंकि जिंजर गार्लिक का है कि वो आपके खाने को, जिंजर जो है वो हमारे खानों में अरोमा लेकर आता है और जो गार्लिक है, जो लहसुन पेस्ट हम यूज किया रहे ये हमारे गोश्त को गलाने में मदद करेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ लेमन जूस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेमन जूस, इसको फ्लेवर के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, और अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब हम इसमें दही यूज इस्तेमाल करना है। अब इसमें टोमेटो का पेस्ट, टमाटर सिंपल ले लें, एक अदद आप बड़ा सा ले लें, उसका पेस्ट बना के आप इसमें वॉइड करें, और प्याज ले लें, प्याज का भी पेस्ट। टमाटर का पेस्ट कैसे बनेगा? सिंपल, आप ब्लेंडर में टमाटर काट कर डालें और उसको आप थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं डालें वो वाटरी हो जाएगा, क्योंकि टमाटर का अपना पानी निकलेगा ऑलरेडी। हाँ, ठीक है, प्याज का भी ऐसे ही है कि आप छील के उसको काट के ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें। टमाटर एक लिया है, एक लिया है प्याज भी मैंने दिया, क्योंकि आधा किलो की क्वांटिटी है। अच्छा, अगर आपको 1 kg की क्वांटिटी बनानी है तो आप इसको डबल कर देंगे, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को आप डबल कर देंगे जब आपका मीट डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें यूज कर रहा हूँ ये हमारा टोमेटो पेस्ट है। ठीक है, ये हमने पूरा नहीं डाला, ये पूरा नहीं डाला क्योंकि ज्यादा बनाया हुआ था मैंने, क्योंकि मैं जब बचा रहा हूँ तो मैं इसमें तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून डाल दूंगा। 3 टेबल स्पून डाल देंगे टमाटर पेस्ट और अनियन पेस्ट है, अनियन पेस्ट ये भर के मैं 2 टेबल स्पून अनियन पेस्ट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास जो है दही,
Okay. पाकिस्तानी खानों में दही का बहुत अहम किरदार है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है कि घरों में लोग दही इस्तेमाल नहीं करते खाने में। पुराने जमाने के लोग दही इस्तेमाल करते थे, टमाटर कम करते, दही से ही गोश्त का फ्लेवर निकल कर आता है। ठीक है, इसमें मैं यूज करूँगा 2 टेबल स्पून दही। दही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, मैरिनेट कर लेना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके इसको, अगर बीफ है तो आप तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दें। ओके। अगर ज़्यादा दे रहे हैं, 3 से 4 घंटे दे देंगे तो बेस्ट है, नहीं मिनिमम आप इसमें कम से कम 2 घंटे के लिए इसको, 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट। और फ्रिज में, मैरिनेशन का मतलब होता है फ्रिज में, बाहर नहीं। बाहर और फ्रिज में क्या फर्क होता है? देखिए, बाहर रखेंगे तो क्या कि मीट है, गर्मी है, स्पाइसेस हैं, दही डाली है, प्याज है, टमाटर है, ये अपना पानी छोड़ते हैं और इसमें फिर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। ओके, तो मेन थिंग है बैक्टीरिया ग्रो ना करे। ठीक है, तो क्योंकि अभी की रॉ कंडीशन में, कुकिंग कंडीशन में होगा तो फिर 4 घंटे के बाद हम उसको फ्रिज में रख देंगे, 4 घंटे तक उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल करने का मकसद यहाँ पर यही होता है कि रेसिपी बताना सिर्फ हमारे प्रोग्राम का मकसद नहीं है, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाए कि कौन सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी टिप कब यूज़ करनी चाहिए ताकि आपके जो खानों की लज्जत है वो बरकरार रहे। वैसे इसको ओवरनाइट भी हम ओवरनाइट कर देंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगी कि वैसे नॉर्मली मैंने देखा कि जब बीफ की कुकिंग की बारी आती है तो इसको गलाने के लिए कुछ ना कुछ लोग यूज़ करते हैं। हाँ, गलाने के लिए आप कर सकते हैं, इसमें जो है कि अपना जैसे कि कच्चा पपीता हम डाल दें। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि हम डाल सकते हैं, इसमें आप डाल सकते हैं। अगर इतनी आधा किलो की क्वांटिटी है तो आप 1 टेबल स्पून डाल दें। लेकिन आई थिंक ये आपने बोनलेस लिया और छोटे छोटे पीसेस हैं तो ये जल्दी से हो जाएगा हमारा, हड्डी वाले का होता है जरा। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ कि जो हम यूज करते हैं कच्चा पपीता, कच्चा पपीता कभी भी पेस्ट नहीं बनाना चाहिए। ओके, ये हमारे यहाँ आवाम को पता ही नहीं है, क्योंकि हम जो इसको देख रहे होते हैं रोज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमेशा पपीता जब आप यूज करें कच्चा और हल्का, आधा पका हुआ और आधा कच्चा हो। जैसे मकसद हम देखते हैं कि वो येलो और ग्रीन जो पपीता होता है वो यूज करना चाहिए, वो बेस्ट है आपकी गलाने के लिए। अच्छा, जो कच्चा पपीता हम यूज करते हैं वो नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, तो और मुझे ये बताएं कि उसको फ्रीज करने का क्या तरीका है? उसको सिंपल हम तो जैसे करते हैं, मैं अपने घर की बात करूँ तो सिंपल आपने उसको बहुत कम पानी में बनाना है, पेस्ट बनाना है, कि वाटरी ना हो, जरा थिक सा पेस्ट बन जाए, थोड़ा सा पानी डाल के उसको बना लें पेस्ट, और जो आइस क्यूब्स की ट्रे होती है उसमें डाल दें आप। ओके, तो उसमें ये फायदा रहता है कि आपको बड़ी प्याली में अगर आप बॉल में रखते हैं तो आपको निकालने में मुश्किल होगी। अब इसमें ये फायदा कि आपने 1/2 किलो 1 किलो की क्वांटिटी है, आपने 2 क्यूब निकाली, आपने डाल फॉरन सेव, ये झटपट सेव हो जाती है आपके लिए। आगे रमजान आ रहा है तो उसके लिहाज से बड़ी अच्छी टिप है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसको मैरिनेट कर दिया तो इसको हम रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर। ठीक है, तो फ्रिज में मैं रख दूं या आप रख देती हूँ? ठीक है, कितनी देर के लिए छोड़ेंगे हम? थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 1/2 घंटा में छोड़ देते हैं ताकि ये आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमने बस इसको ऑयल डाल के इसको मिक्स करके गलने के लिए छोड़ा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले, इसकी ग्रेवी बनाएंगे? अब हम इसकी ग्रेवी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी ग्रेवी इसमें आ चुकी है, बस इसको हमने पकाना है। ठीक है, अब इसकी हम रेडी करेंगे गार्निश। ओके, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा बाउल, मुझे छोटा सा बाउल दे दें आप। किस लिए चाहिए आपको ये? मुझे योगर्ट के लिए चाहिए। ठीक है, और कुछ चाहिए आपको? नहीं। अच्छा जी, ये देखें, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने उसमें डाली है, 1/2 kg, तो यहाँ 2 टेबलस्पून के करीबन मैं इसमें भर के दही ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसमें, मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट हम 2 कंडीशन में डाल रहे हैं, एक मैरिनेशन में यूज़ किया और एक हम इसमें डाल रहे हैं ऊपर गार्निश में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून ले रहा हूँ बस इतनी दही के लिए। ठीक है, बस अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने सिंपल इसको मैंने मिक्स कर लेना दही को। ठीक है, अच्छा। ये हम क्या करेंगे, जब हमारा मीट गल जाएगा, पूरा टेंडराइज हो जाएगा, गल जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा, हम क्या करेंगे, डिश लेंगे, डिश पे हम अपनी जो है ये डिश आउट करेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये स्प्रिंकल करेंगे। हमारे पास प्याज है, प्याज को हम रिंग्स में काटेंगे। ठीक है, हम वो लगाएंगे उसके ऊपर, हरी मिर्च को हम क्या करेंगे बीच में से कट करके वो लगाएंगे, और स्लाइसेस लगाएंगे लेमन के, और देन इसके ऊपर हरा धनिया की गार्निश नहीं होती, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर होती है पुदीने की गार्निश। ओके, पुदीने की क्यों होती है ये मैं आपसे पूछूंगी एक ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि इसके बाद हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए।
जी जनाब, तो रिवायतों की लज्जत में ब्रेक से वापस आ गए। हमारे किचन में आज मौजूद हैं शेफ वकास। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग गार्निशिंग की कुछ बात कर रहे थे, लेकिन आप लोग जब ब्रेक में गए थे तो हमने जो बीफ मैरिनेट करने के लिए रखा था फ्रिज में, हमने उसको निकाल लिया था और ऑयल को हमने ऑयल में गर्म करके थोड़ा सा हीट करके और हमने गोश्त को हमने कितना ऑयल डाला है इसमें? तकरीबन मैंने इसमें हाफ कप ऑयल डाला। हाफ कप ऑयल लिया है और जो हमने मैरिनेट किया था वो हमने इसमें डाल के थोड़ा सा उसको भुना। भुनने के बाद इसमें मैंने हाफ कप पानी डाला है, ठीक है, क्योंकि देखें इसमें टमाटर है, प्याज है, दही है, गोश्त है, सबका पानी निकलेगा, ठीक है। ज्यादा पानी डाल देंगे तो फिर वो ग्रेवी, ये ना हो कि हमारा गोश्त घुल जाए, ग्रेवी बहुत ज्यादा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हमने ऑयल को गर्म किया था, उसमें वो मैरिनेशन डाल के और उसको भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दिया ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। अच्छा, साथ ही मैंने कोयले को भी रख दिया इसके नीचे, ठीक है, कोयले को नीचे रख दिया। अच्छा, ओके, नीचे रख दिया है। मुझे दूसरा चूल्हा जलाने के वो नहीं हुआ, मैंने इसी के नीचे रखा और इसमें गोश्त भी गल रहा है, उसी में वो पक भी रहा है। ये बचत देखें जरा कि जो है वो दूसरा स्टोव जो है वो दूसरा चूल्हा हमें खोलने की जरूरत नहीं है। कोयले के लिए इसी चूल्हे के अंदर जहाँ पे खाना बन रहा है वहीं नीचे आप उसको कोयले को रख दें तो कोयला भी गर्म हो जाएगा और खाना भी बन जाएगा, एक तीर से दो निशाने। अच्छा, अब हम इसकी गार्निश रेडी कर रहे थे, आप प्लीज़ मुझे एक शेफ नाइफ दे दीजिएगा, थैंक यू। अच्छा, इसमें हम, मैंने जैसे सबको बताया था कि हम गार्निश के लिए हमने प्याज तो हम लच्छेदार काटेंगे, जैसे हम रिंग्स में काटते हैं, सिंपल आप ले लें। वकास, आप मुझे बता रहे थे कि इसमें हम धनिया नहीं पुदीना यूज़ करेंगे और उसका मैंने आपको कहा था हम ब्रेक से आके फिर बताएंगे कि क्यों धनिया क्यों यूज़ नहीं करेंगे। इससे जो इस डिश की जो रिक्वायरमेंट है वो पुदीना है, पुदीने का एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छा, धनिया भी यूज़ कर सकते हैं बट ऑथेंटिकली जो डलता है वो पुदीना डलता है, पुदीना डलता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बीफ है इसकी वजह से हम पुदीना नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अगर चिकन हो इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट ही हमारा पुदीना। अच्छा अच्छा, वकास मुझे पता है घर में खाना कौन बनाता है? ऑलवेज मैं। आप ही बनाते हैं? बिल्कुल। ठीक है भाई, ये तो अच्छा, क्या मैरिड हैं या? नहीं, मैं सिंगल हूँ। सिंगल और जो है कि कोई दावत हो कुछ हो घर में मैं बनाता हूँ। और वैसे डेली रूटीन में कौन खाना बनाता है? मैं ही बनाता हूँ। आप ही बनाते हैं? जी भाई, यार ये तो जबरदस्त है। वैसे भी ना इतना एक्सपर्ट शेफ घर में अगर मौजूद हो, और वो कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट जब घर में मौजूद हो तो फिर मसला ही कोई नहीं है, फरमाइश आ जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई घर में मेहमान आए हों और आपने कोई ऐसी डिश बनाई हो और उसके बाद जो शेफ़ होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, तो वो कोई ऐसी चीज़ बना के उनके सामने रख देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम खा क्या रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हाँ, मैं बताऊंगा कि मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं तो मम्मी वो आने से पहले फरमाइश करते हैं भाई हम शेफ़ के घर जा रहे हैं, हमें ये दाल गोश्त कढ़ाई या कोरमा नहीं चाहिए, बिरयानी चाहिए, समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट, कुछ चाइनीज़ इटालियन कॉन्टिनेंटल पे आए तो हम अल्लाह का शुक्र है बनाते हैं। जैसे ईद पे दावत होती है तो ढेर सारा पकाता हूँ। अब वो एक छोटी ईद पे दावत हुई थी तो उन्होंने, वो कज़न्स ने बोला हमारे, हमें चाइनीज़ खाने का दिल कर रहा, तो मैंने तकरीबन कोई 8 किलो राइस और 6 किलो ग्रेवी उसकी और 6-7 पैकेट के चाउमीन बनाया। तो जैसे मुझे शौक है तो मुझे पता भी नहीं चलता कि भाई कटिंग हो रही है, खाना पक रहा है, मुझे, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और वैसे भी ना जो मेहमान आते हैं वो फरमाइश वही करते हैं, उनको जहाँ पता होता है कि हमें, बिल्कुल। और फिर जब आपकी तारीफ हो जाए तो फिर समझ आ जाती है कि भाई हाँ भाई, तारीफ तो आपकी होती है और उनको भी पता है कि हमारी फरमाइश यही पूरी होगी और जो हम बोलेंगे वो कुछ अच्छा ही खाने को मिलेगा, कोई ऐसा वैसा एक्सपेरिमेंट करके, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब आपकी तारीफ की जाती है तो फिर आपकी जो मेहनत होती है वो सारी, वो सब वसूल हो जाती है। बिल्कुल। तो वकास यहाँ पे जो है, आप प्याज कट कर रहे हैं, जब तक हम हरी मिर्चों को देखें, हरी मिर्च को मैंने बीच में से लंबाई में कट करना, ठीक है, ठीक है। अच्छा वकास, जब तक आप ये कट कर रहे हैं हम नाजरीन को अपना रेसिपी कार्ड दिखा देते हैं ताकि जो चीजें आपने बताई अगर किसी से मिस हो गई है तो जल्दी से वो नोट डाउन कर लें। धुआं दही गोश्त, अज्जा, चिकन 1 किलो, दही 1 कप, टमाटर पेस्ट 1/2 कप, तेल 1 कप, नमक हसबे जरूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज का पेस्ट 2 अदद, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, पुदीना 1 गड्डी, दही 1 कप, लच्छेदार प्याज 1 अदद, कोयला 1 अदद, पानी 1/2 कप। तरकीब, गोश्त में टमाटर का पेस्ट, दही, लहसुन अदरक और तमाम मसाले लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें।
आप तेल में प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें और मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालकर गल जाने के लिए छोड़ दें। जब गोश्त गल जाए तो डिश में निकालकर ऊपर फेंटा हुआ दही, लच्छेदार प्याज, हरी प्याज, पुदीना डालकर कोयले का दम लगा दें और सर्व करें। मज़ेदार धुआं दही गोश्त तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड से वापस आ गए हैं और मैं आपको बताती चलूं कि किचन में और हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रवायती खाने की जो खुशबू है ना, वो आना शुरू हो गई है। वकास आप मुझे ये बताएं कि जो है बीफ को हमने कितना टाइम देना है? बीफ को हमने जैसे मैरिनेट करना होता है 3 से 4 घंटे, उसको आप अच्छे से मैरिनेट कर लें तो उसमें ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको गलने के लिए छोड़ दें तो मेरे ख्याल से 30 to 45 minutes लगेंगे, आपका मीट जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा मीट हो चुका है, इसकी भुनाई हमने कर ली थी, ये हम इसकी शक्ल दिखा सकते हैं, जो धुआं निकल रहा है, जो कलर आ रहा है, ओह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक मैं कहती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर आपके घर में ट्राई करनी चाहिए अगर आप कुछ बहुत ही यूनिक, बहुत ही रिवायती और बहुत ही मज़े का खाना चाहते हैं। अच्छा, अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोयला जो इसी चूल्हे के साथ हमने जहाँ खाना बन रहा था वहीं रखा था, इसको मैं यहाँ साइड पे रख दूंगा इसके ऊपर। अगर डबल रोटी का कोई पीस है या रोटी है वो रख दे, मैं तो डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से बस हल्का सा ऑयल डालूंगा। ठीक है। अच्छा, इसका नाम जो है वो धुआं दही गोश्त है, तो जब तक इसमें कोयले का धुआं नहीं होगा तो लगेगा तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, इसको कितनी देर के लिए धुआं लगा, बस इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको ढक के रखेंगे ताकि अच्छा सा जो एक कोयले का अरोमा है वो सारे मीट में आ जाए। ठीक है, और वकास मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हमने इसको गोश्त को पकने के लिए छोड़ा था, इसका ऑयल ऊपर आ गया और ये गल गया है, उसके बाद हमने, उसके बाद बिल्कुल जब डन हो जाए, जब आपकी ग्रेवी आपको लगे कि ऑयल सेपरेट हो गया, ग्रेवी बिल्कुल डन है, देन आपको लेकर धुआं लगा। अच्छा, हम इसको डिश आउट करते हैं। हम ये डिश लेंगे, इसमें डिश आउट करेंगे ऊपर। ठीक है जी, देखिए ये हमारा अच्छा सा वो हो चुका है। ठीक है, ठीक है, जो कोयला है हम इसको डिस्कार्ड कर लेंगे इसमें से। ठीक है, देखिए हमारा बीफ उसमें जला भी नहीं है, कोयला कैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, इसको रोटी, नान रोटी, इसको हाँ ताफ्तन नहीं, क्योंकि ताफ्तन बेसिकली शीरमल आपका कोरमे वगैरह के साथ चलता है, इसको तंदूर की रोटी या जो हमारे पास दूध वाली रोटी होती है, चपाती के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगेगा, इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, बॉइल्ड राइस के साथ। देखिए इसमें ग्रेवी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है आपने, मतलब बस नॉर्मल ग्रेवी, और राइस के साथ अगर खाना हो तो ग्रेवी इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ा सा ऐड करके आप ग्रेवी कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भून लिया है क्योंकि हम तो इसको नान के साथ खाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये हो गया है हमारा। ठीक है, इसको हम कवर कर देते हैं। अच्छा वकास, मैं चाहूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है, इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि इसकी फाइनल लुक हमारे नाज़रीन देख लें। हाँ बिल्कुल, आप जल्दी से कर दें ताकि इसकी फाइनल लुक जो है वो हम आपको बता दें। सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है आपने दही के अंदर नमक डाल के जो रखा था वकास ने, जो आपको बताया था, उसी से वो इसको गार्निश कर रहे हैं ताकि ऊपर अच्छा सा कलर आए। और वैसे भी खाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी खुशबू और उसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि पहले आंखें खाना खाती हैं उसके बाद फिर हम खाते हैं। वकास, प्रेजेंटेशन हो गई है तो हम हमारे बस प्रेजेंटेशन डन है, बस इसमें मैं हो गई कंप्लीट प्रेजेंटेशन जी। ठीक है, हमने इसमें अनियन रिंग्स डाल दिए हैं, लेमन डाल दिया है, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं और पुदीना भी ऐड किया है जो कि बीफ का टेस्ट है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो इसको यहाँ रख दें ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें बिल्कुल कि इसकी फाइनल लुक क्या है। ये बहुत ही कलरफुल सी प्यारा सा धुआं दही गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप वीकेंड के लिए कोई रेसिपी ढूंढ रहे हैं कि आपने क्या बनाना है, तो इससे बेहतर रेसिपी कोई नहीं हो सकती। इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त आज यहाँ ख़त्म होता है। दूसरे किसी शो में फिर से आपसे मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।